योगी ने तैयारियों का जायजा लिया। सीएम योगी अयोध्या पहुंचे और हनुमानगढ़ी में सीएम योगी ने पूजा पाठ की। अयोध्या पहुंचने पर सीएम योगी ने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया, यहां चल रही प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों की समीक्षा की। सीएम योगी ने निर्माणाधीन परियोजनाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। पीएम मोदी नए अयोध्या हवाई अड्डे और अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन समेत कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या धाम रखा गया है। पीएम मोदी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट को भव्य तरीके से सजाया गया है। कुछ इस तरह से सजी हुई है अयोध्या। जी हाँ, पेड़ों पर फूलों के झूमर, जमीन पर खूबसूरत पौधे और दीवारों पर खूबसूरत चित्र यानी कि पेंटिंग्स जो रामलला के, प्रभु राम के जीवन को दर्शाती हैं। इस समय में अयोध्या में जो कल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात मिलने वाली है उसके गेट नंबर 3 के बाहर हूँ और किस तरह से इस गेट को सजाया गया है पहले आप वो देख लीजिए। कैमरा पर्सन नरेश से मैं कहूंगी कि वो आपको तस्वीरें जो दिखा रहे हैं वो उसी गेट की है जिस गेट से कल प्रधानमंत्री मोदी का जो काफिला है निकलेगा, यहीं से उनके रोड शो की शुरुआत होगी। और किस तरह से सजाया गया है इस गेट को वो आपको यहां दिखाई दे रहा होगा। गेट को फूल मालाओं से सजाया गया है। गेट के दोनों ही तरफ गणेश जी यहां पर दिखाई दे रहे हैं जो शुभ का संकेत है। जमीन पर खूबसूरत सी रंगोली यहां पर बनाई गई है और जो ये पूरी दीवार है, जो फेंसिंग है, उस पर फूल मालाएं लटकाई गई है। इसके अलावा पेड़ों पर फूलों के जो झूमर आपको दिखाई दे रहे हैं और साथ ही जो इसके ऑपोजिट जो दीवार है फ्लाईओवर की, उस पर आपको खूबसूरत चित्र यहाँ पर बने हुए दिख रहे हैं जो राम जीवन दर्शन को दर्शाते हैं। देखिए, प्रभु राम जब वनवास से लौटे अयोध्या तो वो पुष्पक विमान में सवार होकर आए थे, माँ जानकी उनके साथ थी। वो चित्र भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा और साथ ही फूलों से अयोध्या भूमि में आपका स्वागत है वो यहाँ फूलों से लिखा गया है, वो होर्डिंग भी आपको, वो बैनर दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा प्रभु राम और मां जानकी का एक बेहद ही भावनात्मक दृश्य भी यहां पर इस पेंटिंग के जरिए दिखाया गया है, उकेरा गया है। और इस पूरे रास्ते में ही जहां जहां से पूरा रोड शो गुजरने वाला है प्रधानमंत्री मोदी का, उस पूरे रास्ते को ही सजाया सवारा गया है। और साथ ही जो पूरी अयोध्या है वो भी इस समय सजी हुई सवरी हुई दिख रही है क्योंकि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और श्रद्धालु पहुंचेंगे बड़ी संख्या में। इसलिए श्रद्धालु जहां जहां रुकेंगे उनके लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं और अयोध्या की हर गली, हर चौराहा, हर तस्वीर बदली हुई, सजी हुई, सवरी हुई रही है। पीएम मोदी 2 नई अमृत भारत ट्रेनों और 6 नई वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी मंदिर शहर में 4 नई सड़कों का भी उद्घाटन करेंगे। भगवान पुरुषोत्तम राम की जन्मभूमि में आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो पाए, ये हम सब लोगों की एक जिज्ञासा थी। प्रधानमंत्री जी का एक स्वयं का एक संकल्प था कि अति आधुनिक एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सभी आवागमन की सुविधा अयोध्या में पर्याप्त मात्रा में स्थापित होनी चाहिए। हमारे परिवहन विभाग ने जो अपना यहाँ नया डिपो बनाने जा रहे हैं वो भी हवाई अड्डा की तरह सुविधाएं युक्त डिपो बनने जा रहा है और 15 एकड़ में बनेगा, जिसमें मॉल भी होगा, उसमें होटल भी होगा, एयरपोर्ट की तरह उसके वीआईपी लाउंज होंगे, अच्छे शौचालय होंगे, सब चीज एक ही छतरी के नीचे लोगों को मिलेगा। सीएम योगी ने वीणा चौक का भी जायजा लिया। इस मौके पर सीएम योगी ने सेल्फी भी ली। मशहूर गायिका लता मंगेशकर के सम्मान में इस चौक को सजाया संवारा गया है। अयोध्या की बदली तस्वीर हर किसी को आकर्षित कर रही है। पूरा शहर दुल्हन की तरह सजाया गया है। अयोध्या के उद्धार से डबल इंजन सरकार का संदेश देश भर में जाने वाला है। जो 2024 के चुनावी लिहाज से भी खास माना जा रहा है।
जो भी लोग आज इस प्रकार की बातें कर रहे हैं वो कभी राम मंदिर के पक्ष के लोग नहीं हैं, कभी नहीं चाहते थे कि भगवान राम का मंदिर बने। लंबे समय तक आज कांग्रेस जिस गठबंधन को लीड कर रही है, उनके नेताओं ने, कपिल सिब्बल जी ने, उनकी पार्टी ने किस प्रकार से राम मंदिर के बनने के मार्ग में रोड़े अटकाए हैं, ये भारत की जनता भूल नहीं सकती, देश के राम भक्त कभी भूल नहीं सकते, इसलिए उनसे किसी प्रकार की भी अपेक्षा नहीं की जा सकती। जो राम को लाए हैं, अयोध्या आए हैं, ऐसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कल 30 दिसंबर को अयोध्या धाम पधार रहे हैं। स्वच्छता उनका प्रिय विषय है, जो राम के सेवकों की भी सेवा करें, ऐसी सेवा करने का सौभाग्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम सब लोगों को प्राप्त हुआ है। इसीलिए जहां जन्मे प्रभु श्री राम, स्वच्छ सुंदर रहे अयोध्या धाम, उस दिशा में हम लोग कर रहे हैं काम। पीएम मोदी अयोध्या में बड़ी जनसभा को संबोधित करने के साथ ही रोड शो भी करेंगे। पीएम मोदी की जनसभा के लिए पंडाल तैयार हो चुका है। कल के कार्यक्रम से पहले पूरी अयोध्या को किले में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। एनएसजी कमांडोज से लेकर पैरामिलिट्री फोर्सेस और यूपी पुलिस के जवान सभी शामिल हैं। प्रभु राम की नगरी अयोध्या पूरी तरह से बदल चुकी है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। कल पीएम मोदी अयोध्या का दौरा करेंगे। पीएम अयोध्या को 15,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात देने वाले हैं। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पीएम मोदी कल अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी सुबह 10:45 पर अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचाएंगे। पूरी डिटेल एक एक करके आपको हम विस्तार से बताएंगे ग्राफिक्स के माध्यम से और पूरा डे प्लान भी समझाएंगे। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होना है, इसको लेकर कैसी तैयारियां हैं। और ये देखिए, ये नीचे हम आपको पूरा रूट भी दिखा रहे हैं, कैसे धीरे धीरे करके कहां कहां पर रूट पहुंचेगा। सीधे रोड शो के लिए रवाना भी हो जाएंगे यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ देखिए एक एक करके हम आपको बता रहे हैं, पूरा स्टेप दिखा रहे हैं। धर्मपथ, लता चौक और साथ ही रामपथ होते हुए पूरा उनका रूट होगा, इसी से वो रवाना होंगे। उनका रोड शो NH 27 से धर्मपथ, लता चौक, रामपथ, टेढ़ी बाजार और मुहावरा बाजार होते हुए अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंचेगा। और यहाँ पर रोड शो के दौरान ही वे रामलला के दर्शन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और उसके बाद वो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। यहाँ पर वो अमृत भारत, वंदे भारत और भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद पीएम मोदी अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। वे एयरपोर्ट के बगल में बने मैदान में जनता को संबोधित करेंगे। यहीं से वे जनता को करोड़ों की सौगात भी देंगे। और अब ग्राफिक के जरिए आपको जरा दिखाते हैं अयोध्या को पीएम मोदी की जो बड़ी बड़ी सौगातें मिलने वाली है। यहाँ पर एक नजर डालिए, यहाँ पर अयोध्या को प्रधानमंत्री क्या क्या बड़ी सौगातें दे रहे हैं। कल से आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सौगातें दे रहे हैं, दिल्ली से अयोध्या के बीच पहली उड़ान होगी। 6 जनवरी से दिल्ली अयोध्या के बीच कमर्शियल उड़ान शुरू हो जाएगी। दिल्ली से सुबह 11:55 टेक ऑफ हो जाएगा, ये हम आपको बता रहे हैं और जानकारी भी दे रहे हैं। खासियत, अयोध्या के रनवे पर Cat-1 लाइटिंग होगी। अंधेरे और धुंध में भी आसानी से लैंडिंग आराम से हो सकेगी। 2200 मीटर लंबा और 45 मीटर ये पूरा रनवे जो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, यहाँ पर एक नजर डालिए, ये पूरा रनवे 45 मीटर चौड़ा रनवे होगा। बोइंग 737, एयरबस 3189 और एयरबस 320 कर सकते हैं लैंड। भविष्य में 3750 मीटर तक बढ़ाया जाएगा ये पूरा रनवे जो इस वक्त हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं। राम की नगरी अयोध्या में हर जगह हर्ष और उल्लास का माहौल नजर आ रहा है। साधु संतों की अगर खुशी की बात करें, उनके खुशी का ठिकाना ही नजर नहीं आ रहा है। न्यूज 18 की टीम भी साकेत भवन पहुंची, जहां पर संतों की चौपाल ने भजन कीर्तन के संगीत में रंग जमा दिया। सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अर्थात बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है और राम कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता है। और हम पर हुई है आज राम कृपा, क्योंकि हम प्रभु राम की नगरी अयोध्या में हैं। नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं, मैं हूं अपर्णा और आज मैं
सत्संग में हूँ, यानी कि संतों के साथ हूँ। संत चौपाल भी से आप कह सकते हैं, लेकिन आज संतों के माध्यम, संतों के बीच रहकर हम जानेंगे चौपाई, चौपाई का आनंद और राम जीवन दर्शन। प्रभु राम के जीवन के बारे में जानना भी जरूरी है, इसीलिए आज साकेत भवन में हमने संतों के साथ ये सत्संग चौपाल लगाई हुई है। अयोध्या की इतनी महिमा है, इस भूमि पे भगवान ने बाल क्रीड़ा किया है, और जब भगवान लंका पर विजय प्राप्त करके आए, रिपु रंजीत सुजस सुरगावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, भगवान जब अपने भाई और माँ जानकी के साथ अयोध्या में आए, तो अयोध्या वासियों के अंदर हर्ष, उल्लास और आनंद है। आज उसी प्रकार से अयोध्या को माननीय सुश्री मुख्यमंत्री ने सजाने और संवारने का कार्य किया गया है, और राम जन्मभूमि के प्रतिष्ठा से पूर्व जब 21 लाख दीपक के द्वारा अयोध्या को जब प्रकाशित करने का कार्य किया गया, अयोध्या में ऐसा आनंद है, ऐसा उत्सव है, सबके अंदर यही एक लालसा जगी हुई है कि भगवान 2024 में 22 जनवरी को भगवान जब भव्य और ऐतिहासिक मंदिर में भगवान का जब प्राण प्रतिष्ठा होगा, क्योंकि राम ही जो है साक्षात धर्म के अवतार हैं, रामो विग्रहवान धर्मा, राम का मतलब होता है राम ने राष्ट्र, मम ने मंगल, जो राष्ट्र का मंगल करते हैं वही तो राम है। रमनते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि एते राम पदे नासो परब्रह्मा विधीयते, ऐसे मेरे परब्रह्म परमात्मा अपने भव्य दिव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होना है। सबके अंदर उल्लास है, आनंद है, उत्सव है, सबके अंदर उल्लास है, आनंद है, जाहिर सी बात है, हर किसी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार है। अगर हम रामलला के बाल स्वरूप की बात करें तो कोई चौपाई हो जाए, जब उनका जन्म हुआ था, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हरषित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी चन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चार। जितना कहा जाए उतना कम है, लेकिन जितना सुना जाए उतना भी कम होता है। ठीक है, आप सुनाइए। नगरी हो अयोध्या
मंगल जीवन चौपाई हो जाए और फिर रामधुन का कोई भजन हो जाए। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर विहारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर विहारी। जामन जनते भी नहीं प्रियासा हम समीप नर पावही बासा। आमन जनते भी नहीं प्रियासा हम समीप नर पावही बासा। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे अनुदिन बढ़ाई अनुग्रह तोरे। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे अनुदिन बढ़ाई अनुग्रह तोरे। अब प्रभु कृपा करूं यही भांति सब तज भजन करूं दिन राति। अब प्रभु कृपा करूं यही भांति सब तजी भजन करूं दिन राति। चार पदार्थ है जग माही भाग बिना नर पावत नाही। चार पदार्थ है जग माही भाग बिना नर पावत। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे अनुदिन बढ़ाई अनुग्रह तोरे। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे अनुदिन बढ़ाई अनुग्रह तोरे। अर्थात मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल का भवन और अमंगल का नाश करने वाला भगवान श्री राम जी हैं और भगवान के नाम और भगवान का स्वरूप ये जो प्राप्त कर लेता है तो जीते जी मरने के बाद नहीं मनुष्य शरीर में रहते रहते अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों को प्राप्त कर लेता है। चार पदार्थ जो माना गया है वो कहा गया है कि देह धारण करने के बाद मनुष्य को अगर मरने के बाद मुक्ति किसने देखा है, मरने के बाद किसने देखा और जो देखा वो कहता नहीं है। जीते जी हम धर्म अर्थ काम और मोक्ष जो भगवान श्री राम की कथा को सुनता है सुनी समुझही जन मुदित मन। जो सुनेंगे समझेंगे सुनी समुझही जन मुदित मन। मन लगा करके जो सुनेंगे समझेंगे सुनी समुझही जन मुदित मन मन जही अति अनुराग। मतलब ये कान द्वारा जो सुन करके जैसे स्नान करेगा सुनने का मतलब स्नान करेगा जैसे नदी में स्नान करने से अपने पावन होते हैं उसी तरह से कथा के श्रवण करने से सुनने से समझने से और उसको करने से सुनी समुझही जन मुदित मन मन जही अति अनुराग। मन जही का मतलब जो क्रिया में लावे कर्म में लावे तो लहि चारि फल अक्षत अनु साधु समाज प्रयास। ये साधु समाज रूपी ये सरजू जी को आप क्या समझते हैं अयोध्या जी को क्या समझते हैं। अयोध्या जी में आने का तो नसीब बहुत बड़ी बात है। देखत पूरी अखिल अग भागा देखत पूरी अखिल अग भागा वन उपवन वापिका तड़ागा। तालाब नदी और खाली
पहाड़ वृक्षों को देख लो अयोध्या के, तो भी संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। और अब कार्यक्रम के समापन का समय आ गया है, तो एक भजन हो जाए सुंदर सा कोई। तो ये तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं सुपर एक्सक्लूसिवली। कल नए एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे, उससे पहले नई ट्रेनों की बड़ी सौगात प्रधानमंत्री देंगे। उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं आप जायजा लेते हुए, अतिथि गृह का भी नजर आ रहे हैं। हर एक तैयारी बारीकी से परखते हुए सीएम योगी खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। चाहे सुबह हो, दिन हो, रात हो, वो वक्त नहीं देखते हैं, लगातार ग्राउंड जीरो पर डटे रहते हैं जनता के लिए, देश सेवा के लिए और भगवान राम लला के लिए। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी को लेकर क्या कुछ खास इंतजामात हैं, और कल क्योंकि अहम दौरा है प्रधानमंत्री का, कैसी तैयारी है प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर, वो भी परखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। अतिथि गृह का भी निरीक्षण खुद कर रहे हैं, जायजा खुद लेते हुए नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। लाइव एक्सक्लूसिवली ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 पर। सीएम योगी आदित्यनाथ ग्राउंड जीरो पर हर एक तैयारियों को परखते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे साज सज्जा की बात करें, चाहे आप देख सकते हैं सौंदर्यकरण की अगर बात कर लें, कोई भी कोर कसर नहीं छूटनी चाहिए, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। अधिकारी उनको तमाम जानकारियां भी देते इस वक्त नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले बड़ी सौगात अयोध्या को मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अयोध्या आएंगे और उनके आगमन को लेकर तैयारियां कैसी हैं, ये खुद परखते हुए सीएम योगी अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, व्यवस्थाओं को जान रहे हैं, क्या कुछ अब तक बंदोबस्त किए गए हैं, क्योंकि अभी शाम का वक्त है, 9 बजने वाले हैं। अभी भी सीएम योगी आदित्यनाथ ग्राउंड जीरो पर आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिवली, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और अतिथि गृह का भी निरीक्षण करते हुए सीएम योगी खुद नजर आ रहे हैं। स्टेशन बना है, जिन हाथों ने इस पे काम किया उनको धन्यवाद देना तो बनता है। सर, एक मुकुट की बात कर रहे थे कि जो कि दूर से ही दिखेगा, उस मुकुट को बताएं सर कि कौन सा है ये? आप देख रहे हैं बिल्कुल विरासत भी विकास भी, जो प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं, उस विरासत और विकास को साथ रखा गया है। थैंक यू सर, बढ़िया बनाया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में मौजूद हैं और करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं। अमृत भारत एक्सप्रेस सहित 8 ट्रेनों को हरी झंडी भी कल दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए से ऊपर के परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी उनके द्वारा किया जाएगा। भारत एक्सप्रेस दिल्ली दरभंगा, अमृत भारत एक्सप्रेस लखनऊ होकर चलेंगी। एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से दी जाएगी कल, और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी कैसी तैयारियां हैं वो भी लगातार निरंतर सीएम योगी आदित्यनाथ ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर परखते हैं। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिवली, तैयारियों का जायजा लेते हुए सीएम योगी।